तो फ्रेंड्स, आज की जो वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये वैकेंसी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में निकाली गई है। यहाँ पे आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आप अप्लाई कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है, रिटन एग्जाम से ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने वाला है। और यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो बहुत ही अच्छा है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पे लगभग 30 से 35 हज़ार के आसपास सैलरी मिलने वाली है, और आपका जब फाइनल यहाँ पे हो जाएगा तो आपका 55 से 60 के बीच में यहाँ पे रखा जाएगा। डिटेल में बात कर लेंगे जब नोटिफिकेशन को पूरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तब जाकर देख लेंगे कि कितना मिलने वाला है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, क्योंकि मैं पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में आप लोगों को पढ़ के यहाँ पे समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि क्या क्या क्राइटेरिया है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, और अप्लाई आपको कहाँ से करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोग के लिए आता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अनअकैडमी में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंडिया के टॉप एडुकेटर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, जिनका एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज्यादा है। उन्हीं में से एक है रविंद्र बाबू सर, जिन्होंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को 2-2 बार क्रैक किया हुआ है। साथ ही में इन्होंने अपना मास्टर्स IISc बैंगलोर से किया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो सुभा रेड्डी सर को, जिन्होंने अपना मास्टर्स IIT बॉम्बे से कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद है विष्णु सर, जो कि वन ऑफ द टॉप एडुकेटर्स है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस वालों के लिए, और इनका एक्सपीरियंस 20 साल से भी ज्यादा है, और अब तक ये 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट को ट्रेंड कर चुके हैं। तो इनके फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए अभी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, और मेरा कोड CIVIL यूज जरूर कीजिएगा, और इन तीनों महारथियों के फ्री स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो जाके फ्री स्पेशल क्लासेस को देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो उनके सब्सक्रिप्शन को भी आप अवेल कर सकते हैं। बहुत ही कम दिन बचा हुआ है, 10% तक का डिस्काउंट इंस्टेंट आपको मिल जाएगा, अगर आप वीडियो में दिए हुए डिस्क्रिप्शन से अगर आप लेते हो तो। तो जो भी गेट 2022 और 2023 के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां से लिंक पे क्लिक करके आप वहां से वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आज ही से एनरोल करें और अपनी तैयारी आज ही से स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, जो लोग SSC JEE 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज अरेंज करने जा रहा है, जो कि होने वाला है आपका 28 फरवरी को मॉर्निंग में 10 बजे, जिसके लिए आपको एक भी पैसा देना नहीं है। तो ये एग्जाम आपका 120 मिनट्स का रहने वाला है, और इसमें आपको 100 क्वेश्चन अटेंड करना पड़ेगा। इस टेस्ट सीरीज की खास बात करूं तो इसे ऑल इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पे आपको लाइव ऑल इंडिया बेसिस पे रैंकिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप खुद को देख सको कि ऑल इंडिया बेसिस पे आप किस जगह पे अभी खड़े हो। तो इसके लिए आपको ये एग्जाम लाइव देना होगा 28 फरवरी को मॉर्निंग में 10 बजे। तो अगर आप इस एग्जाम को फ्री में देना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आपको उस लिंक पे जाना है और खुद को रजिस्टर कर लेना है। साथ में मेरा कूपन कोड CIVIL को अप्लाई जरूर कीजिएगा, तभी जाके आप इस एग्जाम को फ्री में अनलॉक कर पाओगे। तो एग्जाम फ्री का है, जरूर दीजिएगा, और अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक जरूर कीजिएगा। तो जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी लाया है फ्री टेस्ट सीरीज, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देना है, और आप अपने प्रिपरेशन लेवल को भी फ्री में परख सकते हैं ऑल इंडिया लेवल बेसिस पे। और आपको यहाँ पे एक रैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप ऑल ओवर इंडिया में किस जगह पे खड़े हो। इसका पेपर पैटर्न लेटेस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बेस्ट पे है, और इसे डिजाइन किया गया है इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा। ये फ्री एग्जाम होने वाला है आपका 20 फरवरी और 27 फरवरी को। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, ECE वाले, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्ट्रीम्स एलिजिबल है, और आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस अटेंड करना होगा 180 मिनट्स में, और ये आपका 3 बजे दोपहर से स्टार्ट हो जाएगा। और जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चंस अटेंड करना होगा 120 मिनट्स में, और आपका टाइमिंग यहाँ पे रहने वाला है 10 बजे मॉर्निंग में। तो फ्री का है, अटेंड जरूर कीजिएगा। तो इस टेस्ट सीरीज को फ्री में देने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आपको उस लिंक पे जाना है और मेरा कोड CIVIL यूज करना है, जिससे आप इस एग्जाम को फ्री में दे पाओगे और अपने लेवल को ऑल इंडिया बेसिस पे परख पाओगे। तो एग्जाम जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ चुकी है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में। तो ये नोटिफिकेशन है, चलिए इसको पढ़ के समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ठीक है, ये रहा। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक सबमिट करने के लिए आपका खुल जाएगा 24 फरवरी से। इस दिन से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और इसका लास्ट डेट है आपका 16 मार्च 2021। तो इस बीच आप भर दीजिएगा, बहुत अच्छा टाइम है। नोटिफिकेशन को एक बार ध्यान से जरूर पढ़िएगा, उसके बाद ही आप इसको अप्लाई कीजिएगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखो कि अलग अलग यहाँ पे कंपनी है, नेम ऑफ कंपनी जो राजस्थान की अलग अलग कंपनी यहाँ पे विद्युत रिलेटेड, वो यहाँ पे आप देख सकते हो, RVUN, RVPN, JVVN, AVVN, इन सब में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है। अब चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ पे उनके लिए टोटल सीट है 16, ठीक है, 6 है आपका RVUN में और 10 है आपका JVVN में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनरिजर्व के लिए भी यहाँ पे सीट है और बाकी कैटेगरी के लिए तो है ही, ठीक है। एक बात यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि जो अनरिजर्व वाले स्टूडेंट हैं वो ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी है तो आप अप्लाई कर पाइएगा, लेकिन जो रिजर्वेशन वाले हैं वो सिर्फ राजस्थान के ही होने चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। रिजर्व स्टूडेंट राजस्थान के बाहर से हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का जो फायदा है, जो बेनिफिट्स है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ के यहाँ पे देख लेते हैं मैकेनिकल वालों के लिए। तो मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे टोटल 6 सीट है जिसमें 3 अनरिजर्व के लिए है, बाकी कैटेगरी के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सिविल वालों के लिए अगर देखूं तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 3 सीट रखा गया है RVPN में, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो अनरिजर्व के लिए कोई भी सीट नहीं है, लेकिन जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए बिलोंग करते हैं उनका 2 है और EWS के लिए यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं सिविल में, उनके लिए वैकेंसी नहीं है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही है, बाकी यहाँ पे कोटे वाले हैं यानी रिजर्वेशन सिस्टम वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं नेक्स्ट जो यहाँ पे है, जो सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पहले तो आपको यहाँ पे 2 साल के लिए प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा और उस दौरान आपको यहाँ पे 39,300 फिक्स्ड मिलने वाला है पर मंथ, ठीक है। और जैसे आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो अपने प्रोविजन ट्रेनिंग पीरियड को तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा 56,100 बेसिक पे, मतलब इतना इन हैंड मिलने वाला है। इसके ऊपर आपको अलाउंसेस और अदर बेनिफिट जो होते हैं वो आपको मिलने वाला है। एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पे 4 साल का डिग्री बी बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल वालों के लिए भी सेम 4 साल का आपका बी बीटेक होना चाहिए और सिविल वालों के लिए भी आपका यहाँ पे 4 साल का बी बीटेक होना चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन हो गई। फाइनल ईयर की बात करें तो यहाँ पे ये साफ बोला गया है कि फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको आपका मार्कशीट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। तब तक अगर आपका आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको हिंदी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी आपको लिखना भी आना चाहिए, साथ में आपको राजस्थानी कल्चर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। राजस्थान का अगर आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदी आपको यहाँ पे लिखना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2022, ठीक है। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप SC, ST, BC और MBC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस से हो तो, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 साल का यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप जनरल से भी हो तो भी आपको मिलेगा यहाँ पे, साथ में आपका EWS वालों को भी मिलेगा यहाँ पे, और 10 साल का आपको मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स को जो SC, ST, BC और MBC से हैं जो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वाले, मतलब राजस्थान को छोड़कर जो अदर स्टेट वाले हैं उन लोग को रिजर्वेशन सिस्टम का जो भी बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेगा, वो इस पॉइंट में आपको लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। और ये भी पॉइंट देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कैंडिडेट्स नॉट फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया शुड अप्लाई एज अनरिजर्व जनरल कैटेगरी, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है वो 24 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और आपका खत्म हो जाएगा 16 मार्च 2021 को, ठीक है। तो आपको अप्लाई करने के लिए ये सारे लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किए हुए हैं, इस लिंक पे जाके आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पे जाके कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे गाइडलाइंस दिए हुए हैं फोटोग्राफ्स को लेके, कुछ डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पे लिख के पेपर में अपलोड करना है, वो सारा इसको आप ध्यान से जरूर पढ़िएगा पूरा नोटिफिकेशन को, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फीस की बात करें यहाँ पे तो जिन फैमिली का एनुअल इनकम 2.5 लाख या उससे ज्यादा है उन लोग का यहाँ पे 1600 रुपये पड़ने वाला है एप्लीकेशन फीस, और जिनका 2.5 लाख से कम है उनका 1400 पड़ने वाला है। तो मेरे ख्याल से एप्लीकेशन फीस जो है ये बहुत ज्यादा रखा गया है। कल भी मैं एक वीडियो डाला था जिसमें मैं जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए बनाया था, उसमें भी सेम ये एप्लीकेशन फीस रखा गया था और ये असिस्टेंट इंजीनियर में भी सेम रखा गया है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रखा गया है, इतना रखना नहीं चाहिए था इन्हें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एक कॉमन रिटन टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 2 घंटे का रहने वाला है, ठीक है। इसमें 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो कि MCQ टाइप की होगी आपकी। 60% वेटेज कैरी करेगा आपका पार्ट ए, जिसमें आपका
जो आप 4 साल का डिग्री इंजीनियरिंग किए हो ना, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल, जो उसमें आप पढ़े थे उसी से सारा चीज आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। और 40% वेटेज रहेगा आपका पार्ट बी में, जिसमें आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी चेक किया जाएगा, मैथमेटिक्स चेक किया जाएगा, जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी जनरल और इंग्लिश जनरल से क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप सिलेबस देख सकते हो, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, ये सबका यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेना। उसके बाद आपका यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये थी पूरी नोटिफिकेशन। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आपको इस पेज पे आना है। इस पेज पे जाने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर में लिखा हुआ है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। यहीं पे देखिए क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करने से आप वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो खुल जाएगा आपके सामने, जो मैं अभी आपको पढ़ के बता रहा था, ये आप देख रहे हो यहाँ पे। और इसी के बगल में अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन वाला पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाता है, आप वहाँ पे सारा चीज भर के खुद को पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके आप इसे लॉग इन कर लो। उसके बाद आप फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर सकते हो, पेमेंट वगैरह सारा करना होगा वो सब कर देना। इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारा था नोटिफिकेशन। अगर आपको काम की लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।